Welcome to SG Inceptions. Today, once again, I am at Drogo Patch, located at Powai in Mumbai, to make interesting and entertaining content for you all. And here is with us the director of Drogo Patch, Mr. Shayan Ashraf. Hi Shayan sir, how are you doing? I'm doing good, how are you? All good. So last time humne hybrid Macau dikhaya tha, the Catalina Macau. बहुत से लोगों ने बोला कि उन्होंने पहली बार देखा, कई सारे लोगों को वो कंटेंट काफ़ी अच्छा लगा एंड कुछ लोगों ने आपको काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएट भी किया फॉर ब्रिंगिंग सच यूनिक कंटेंट बिफोर अस ऑल. सो ऑल्सो हमने बहुत टाइम पहले एग्जॉटिक पेट्स दिखाए थे, जैसे बॉल पाइथन्स हो गए, उसके बाद में इगुआनास हो गए. सो कुछ लोग हमको ऐसा पूछ रहे थे कि आपने डॉग्स दिखाए थे, तो क्या ऐसे कोई डॉग्स है जो यू नो अपार्टमेंट फ्रेंडली है, जिनके साथ बच्चे भी प्यार से रह सकते हैं, बड़े भी अच्छे से रह सकते हैं, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली ऐसे डॉग ब्रीड जो ज़्यादा बड़े नहीं हो, छोटे ही रहे, तो दैट सारे लोग घर में घुल मिल कर रहे, जिनके पास अपार्टमेंट स्पेस है, लिमिटेड स्पेस है, जो मतलब नॉर्मल स्मॉल ब्रीड डॉग साइज़ जो लेना पसंद करेंगे उनके लिए. तो ऐसे कुछ डॉग ब्रीड से सर आपके पास में जो हम दिखा सकते हैं हमारे सारे व्यूवर्स को? यस प्लीज़. या डॉग्स में आपको जो भी ब्रीड चाहिए वी कैन अरेंज फॉर यू. रही बात अपार्टमेंट फ्रेंडली ब्रीड्स के लिए, तो हमारे पास बहुत सारे ब्रीड्स हैं जो बहुत बड़े नहीं होते, कम खाते हैं, कम एरिया लगता है उनको वॉकिंग के लिए, बेसिकली अपार्टमेंट्स के लिए बेस्ट हैं एंड वेरी इजी टू केयर फॉर. तो बच्चे हों या बूढ़े हों, दे ऑल कैन एन्जॉय द कंपनी ऑफ द न्यू फैमिली मेम्बर इन द फॉर्म ऑफ द कंपेनियन डॉग. काफ़ी ब्रीड्स हैं, हम आपको एक एक करके थोड़े दिखाते हैं एंड दिस विल बी गुड फॉर ऑल. All age groups, very very easy to maintain. Great. तो और एक चीज़ पूछना चाहूँगा, जिनको cats का preference है, जो cats में interested है, कुछ लोग cat lovers होते हैं and who are looking forward to keep a cat, क्या cats में भी आपके पास कुछ available है? जी, cats में भी हमारे पास काफ़ी exotics में भी available है and local if you are looking for Persians, double coat or triple coat. अब जैसे यहाँ पे people like to keep white cats a lot. साइन ऑफ पॉजिटिविटी, ये हमारे यहाँ सारे कलर्स की होती हैं, बट वाइट में भी है, ब्लू आइज़ के साथ, ऑड आइज़ के साथ, मतलब जो रिक्वायरमेंट्स होती है पीपल की वैसे हमारे पास सारे हैं एंड फ्रॉम जेन्युइन रेप्यूटेड कैटरीज विद ऑल द परमिट्स एंड एवरीथिंग. हमारी खुद की भी कैटरी है बाय द नेम ऑफ ड्रोगो एग्जॉटिक कैटरी. सो एवरीथिंग यू गेट ओवर हियर एंड ऑन ऑर्डर्स वी अरेंज एवरीथिंग फॉर यू. बट वी हमारा मेन कंसर्न है कि एनिमल की हेल्थ अच्छी रहे. जो भी एनिमल हम आपको दें, फर्स्ट थिंग इज़ उसकी हेल्थ अच्छी रहे, क्वारंटीन अच्छे से हो, डीवर्मिंग अच्छी हो, वैक्सीनेशन प्रॉपरली हो, प्रॉपर एज पे हम लोग उसको लाएं कि वो मदर्स मिल्क से वीन ऑफ हो गया हो, तो सारे टिक्स बनते हैं. उसके बाद हम आपको केयर गाइड देते हैं. ओनली इफ़ यू हैव द टाइम एंड दी एमिनिटीज टू लुक आफ्टर दी कैट और डॉग या जो भी आप एनिमल लें, अगर आप कमिट कर सकते हैं तो ही लीजिए. इम्पल्सिव बाइंग प्लीज़ मत कीजिए, कि मैं बार बार कहता हूँ. इट्स अ फैमिली मेम्बर, आप कोई ऐसा ऑब्जेक्ट लेके नहीं जा रहे हैं. This is a living thing. This is a family member. So if you are sure, so this is the right place to come. We'll be very happy कि आपके सारे doubts clear कर दें and you can spend time with your favorite animals basically. Great. So dog breeds दिखाने के बाद, specially toy dog breeds दिखाने के बाद में क्या हम please cats भी दिखाएं इस video में? Sure. All right. और जिनको costing, availability या कोई अदर इंक्वायरीज जाननी है तो कैन दे कॉन्टैक्ट ऑन द शॉप नंबर? यस यस प्लीज, वो शॉप नंबर अगर हो सके तो नीचे आप डिस्प्ले कर दीजिएगा. श्योर विल डू दैट. वील जिसको भी कोई भी क्वेरीज हो दे कैन डायरेक्टली कनेक्ट विद द स्टोर एंड वील हेल्प यू आउट इन एनी वे पॉसिबल. ऑलराइट, लाइक एवरी टाइम एंड वेरी एक्साइटेड एंड क्यूरियस टू शूट दिस वीडियो विद योर कंसेंट, कैन वी प्लीज सेम हियर सेम हियर एंड वेरी वेरी हैप्पी टू सी यू अगेन ओवर हियर. आई एम ग्लैड अभी वीडियोस थोड़े हम लोग जल्दी कर रहे हैं, इट्स नॉट अ बिग गैप बीच में. एंड थैंक्स टू ऑल द व्यूअर्स फॉर द लवली कमेंट्स एंड द लव दैट वी आर गेटिंग, रियली रियली अप्रिशिएटेड. स्टे ट्यून्ड. ऑलराइट, लेट्स प्लीज प्रोसीड अहेड सर. श्योर. सो हियर इज द क्यूट लिटिल पप, लुक हाउ एडोरेबल इट इज. सो सर, कैन यू प्लीज टेल अस अबाउट दिस क्यूटी? सो बेसिकली या दिस इज अ टॉय पॉम, बेसिकली टॉय पोमेरियन. पोमेरियंस बेसिकली पोलैंड से एक डॉग ब्रीड है. पोलैंड एंड जर्मनी के बॉर्डर पे देयर इज अ रीजन कॉल्ड पोमेरेनिया, हेंस द नेम पोमेरेनियन. सो ये वहाँ से ओरिजिनेट होते हैं एंड सिलेक्टिव ब्रीडिंग से इनका साइज छोटा छोटा करते गए लोग. सो दीज आर टॉय पॉम्स. अपार्टमेंट्स में ज़्यादा जगह नहीं होती, ईजी टू मेनटेन, एक्सट्रीमली फ्रेंडली एंड एक्सट्रीमली प्लेफुल. तो मतलब फुल डे आपकी फुल फैमिली
एकदम हाई एनर्जी एंटरटेनमेंट आपको मिलेगा. एंड नॉट दैट दे आर फॉर एंटरटेनमेंट, दे आर अ फैमिली मेम्बर. बहुत लविंग है, बहुत अमेजिंग है. एंड जस्ट जनरली इट्स, बहुत बार लोग इसको देख के उनको लगता नहीं कि रियल है, ऐसा लगता है कोई सॉफ्ट है जो मैकेनिकल. मैं इसको थोड़ी देर नीचे रख रहा हूँ सो यू कैन सी दी एनर्जी लेवल्स एंड प्लेफुलनेस, राइट. तो ये देखिए पीछे से ऐसा लग रहा है बिल्कुल एक फर बॉल है. इट्स सो फ्लफी एंड लुक एट दोस क्यूट लिटिल आईज. सो इसकी साइज़ की वजह से मेरे ख्याल से बच्चे भी बहुत अच्छे से इसके साथ खेल सकेंगे एंड बड़े भी बहुत अच्छे से इसके साथ में गोल मिल सकेंगे, राइट. एब्सोल्युटली. अभी दिस इज अ बेबी एंड बड़े में भी ये बहुत ज़्यादा बड़े नहीं होते. मैं इसका फादर भी आपको सुन अभी दिखाता हूँ. ओके ओके या सो देखा आपने क्या मस्त वे में इसने छोटी सी जंप मारी. लुक एट दैट. सो इनको ऐसा लगता है कि बस देखते रहो इनकी हरकतें, इनका चुलबुलापन, द वे दे रेज देयर पॉज. ऑलराइट ऑलराइट. सो हियर इज द एडोरेबल ग्रोन अप पॉम पॉम. यस, कैन यू प्लीज टेल अबाउट दिस वन. या सो दिस इज लाइक अ फुल साइज टॉय पॉम, अ हेल्दी वन. तो इसमें अगर आप इसको कभी भी बात देंगे यू विल रियलाइज इसका साइज फुल साइज में भी कितना छोटा है. दिस इज मेनली है, ज़्यादातर बाल ही है. तो आपने जो अभी देखा था पपी, ये उनके फादर हुए जी, सीनियर टॉय पॉम. यस, वेरी वेरी लविंग, वेरी वेरी जेंटल. जैसे जैसे बड़े होते हैं थोड़े से कम हाइपर होते हैं, थोड़ा काम हो जाते हैं. तो अगेन वेरी नाइस अपार्टमेंट फ्रेंडली पपी. स्पेशली अगर आपको बच्चे भी हैं घर पे एंड बड़े भी हैं, एंड फॉर ऑल ऑफ देम इट्स वंडरफुल. ओनली थिंग इज थोड़ा सा ग्रूमिंग रिक्वायरमेंट है. Yes. So, दिन में आपको एटलीस्ट 5 मिनट स्पेंड करना है टू बी एबल टू प्रॉपरली ग्रूम देम. सिर्फ ब्रशिंग की जरूरत है. Right. Now we'll have a look at some other puppies as well. Sure. Also just look at the hair which are over here. ऐसा लग रहा है कि पॉम पॉम की मेन है. तो ये रहा अगला मासूम बच्चा. देखिए इसके कान कितने बड़े हैं एंड इसकी आंखें भी देखिए कैसे छुपके छुपके हमको देख रही है. सो इसके बारे में क्या प्लीज बताएंगे हमको. सो बेसिकली दिस इज अ फ्रेंच बुलडॉग. जैसा नाम कह रहा है ये फ्रांस से ओरिजिनेट हुए थे. वहाँ काफ़ी टॉय ब्रीड्स को जब ब्रीड किया गया था, बेसिकली इंग्लैंड से काफ़ी टॉय ब्रीड्स लेके वहाँ के लोकल रैटलर से ब्रीड किया गया था टू क्रिएट दिस ब्रीड फ्रेंच बुलडॉग. अपार्टमेंट्स के लिए दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट डॉग ब्रीड टू हैव. छोटे हैं एंड दे आर वेरी वेरी जेंटल एंड वेरी वेरी क्यूट एंड रिस्पॉन्सिव. तो बहुत डॉसाइल हैं, यू नो, बच्चों को भी इनसे डर नहीं लगता है. बहुत स्वीट है. दिस इज़ अ सुपर ब्रीड फॉर बिगिनर्स ऑल्सो. जनरली ये नए जगह पे तो थोड़ा सा शेक कर रहे हैं, बट अदरवाइज इज़ अ ट्रिमेंडस ट्रिमेंडस ब्यूटिफुल ब्रीड टू हैव. आई शो यू सम मोर ब्रीड्स. श्योर. और इनके ईयर्स भी एकदम रैबिट के तरह लॉन्ग है. हाँ, बहुत बहुत इंटरेस्टिंग है ये, थोड़ा बैटमैन जैसे लग रहे हैं. रियली क्यूट. यस, सो लेट्स सी सम अदर ब्रीड्स. श्योर. सो नाउ वी हैव गॉट अ डबल डोज ऑफ क्यूटनेस फॉर यू ऑल. यहाँ पे देखिए कितने क्यूट लिटिल पप्स है. एंड ये देखिए अभी बस नींद से उठा हुआ है तो इसकी आंखें भी देखिए एकदम सुस्त जैसी है. एंड दिस गाय वैगिंग द टेल एंड पूरा एकदम शरारती जैसे है. सो शैंसर, कैन यू प्लीज टेल अस अबाउट दीज एडोरेबल पप्स. या ये पप्स हमने पहले भी कवर किए हैं. बेसिकली शिह ट्ज़ूज़ हैं. ये 2 मंथ ओल्ड हैं. बहुत कॉम्पैक्ट साइज में इनके पेरेंट्स भी हैं. वी विल ऑल्सो शो यू कि ये थोड़े बड़े होके कैसे हो जाते हैं. बट अगेन वेरी गुड अपार्टमेंट फ्रेंडली पपी टू हैव. बच्चे बूढ़े सबको पसंद है. बहुत एनर्जेटिक, बहुत प्लेफुल. सिर्फ थोड़ा सा ब्रशिंग एंड ग्रूमिंग की ज़रूरत है. अदरवाइज रियली फन. दे जस्ट लव प्लेइंग. सी हाउ प्लेफुल. ओह या. सो आप कहीं से भी पपीज लें, मेक श्योर दे आर एटलीस्ट 2 मंथ्स ओल्ड कि मदर्स मिल्क से प्रॉपरली वीन ऑफ है. बहुत लोग बहुत छोटे पपीज देते हैं विच इज़ नॉट गुड. ये genuinely compact size है, लेकिन 2 months complete है इनके. Right. We'll show you the bigger one also. Also, you, I would like to ask you, मैंने काफ़ी सारे शिह ट्ज़ूज़ देखे, grown up शिह ट्ज़ूज़, जिनके जो माउथ के पास के हेयर होते हैं they are not properly clean. तो grooming में कुछ suggestion, कुछ tips देना चाहेंगे कि whenever they are having food after that or before that, क्या इनको clean करना चाहिए, कैसे groom करना चाहिए? Absolutely, आपने जो point बोला बहुत ही अच्छा point है कि generally before food also एक बार माउथ क्लीन कर दीजिए. आपको पता नहीं है किधर से क्या छाट के आ रहे हैं. एंड आफ्टर हैविंग फूड एंड वाटर ऑल्सो एक बार वाइप कर देना ज़रूरी है मुंह का, ताकि कोई इन्फेक्शन नहीं हो, फंगल ग्रोथ नहीं हो.
एंड मेनी टाइम्स बहुत लोग क्या है दे कीप इवन वाटर बॉटल्स फॉर देम, तो उससे क्या है बाकी का जो मुश है इनका वो वेट नहीं होता है, तो दे कैन डायरेक्टली सिप ऑन द वाटर थ्रू द बॉटल ऑल्सो. ऑल्सो यहाँ पे देखिए कितना क्यूटली ये हेयर का पैक आया हुआ है. ऑल्सो यू कैन नोटिस द शेप ऑफ द फोरहेड एंड दैट क्यूट लिटिल नोज. सो बड़े साइज का शिज़ू भी अवेलेबल है ड्रोगोपेट्स, क्या वो देख सकते हैं हम प्लीज? श्योर. सो ये देखिए अब हम आपको थोड़ी बड़ी साइज़ दिखा रहे हैं शिज़ू की, एंड इसके देखिए पाँव से लेके सर तक कितने सारे हेयर हैं, एंड इट इज़ सो वेल ग्रूम, सो वेल मेंटेन, कितना क्लीन है देखिए ऊपर से लेकर नीचे तक. एंड ये इसका मुंह देखिए, और बहुत ही प्लेफुल है, बहुत ही एक्टिव है. सो विल गेट टू नो अबाउट दिस वन टू. यस सर, कैन यू प्लीज़ टेल अस? या सो जैसा हमने देखे अभी पपीज शिज़ू के, ये बेसिकली फोर एंड हाफ मंथ्स का है, वो जो देखा था वो टू मंथ्स के थे. तो यू कैन सी द साइज़ बेसिकली बड़े हो के ये साइज़ रहता है इनका, फिर भी काफ़ी कॉम्पैक्ट ही रहते हैं. वेरी प्लेफुल, वेरी फन लविंग, एंड जस्ट जनरली एकदम लगता है जैसे सॉफ्टो हैज़ कम टू लाइफ. वेरी 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 क्यूट ब्रीड, जस्ट लव देम. राइट. सो डॉग्स हमने देख लिए, यहाँ पर है ड्रोगोपेट्स के क्यूट कैट्स. तो ये है वाइट पर्शियन कैट्स, इनमें नॉर्मल आइज़ है, ब्लू आइज़ है, एंड इवन ऑड आइज़ भी है. तो देखिए कितना क्लीन इनका इंक्लोजर रखा है, एंड इनको फूड भी है, वाटर भी है, लिटर बॉक्स भी है, एंड ये देखिए कितने खेल रहे हैं. देखिए पीछे दे आर सो एक्टिव, इवन इनके सारे फर देखिए कितने क्लीन हैं. Look how playful and active they are. Also काफ़ी adorable है. Also हमने previous videos में Drogopets की कैटरी cover की, तो ये इनका quarantine unit है, यहाँ पर cats की deworming होती है. And Drogopets में आपको Persian cats के अलावा बंगाल कैट्स और बाकी कैट्स भी मिलेंगे. सो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ. सो ये देखिए, दिस इज़ एन ऑड आई कैट. ये देखिए ये ब्लू आई है, ये देखिए ऑड आई है, दिस इज़ नॉर्मल आई, दिस इज़ अगेन ब्लू आई. सो ये काफ़ी चुलबुल है, काफ़ी हलचल कर रहे हैं, इसलिए आई एम नॉट एबल टू शो यू प्रॉपरली. बट ऑड आई काफ़ी रेयर होते हैं, कम दिखाई देते हैं, एंड they have got one year. Also just to add, ये हमारा quarantine zone है. जिनने कैटरी video नहीं देखा हो तो पहले जो kittens आती हैं we quarantine and deworm them, यहाँ पर vaccinate करके फिर इनको बड़े वाले permanent enclosures में डालते हैं. तो first 14 days ज़रूरी है कि 2 month old kittens को हम लोग ऐसे quarantine करें. So देखिए ये है Drogopets की कैटरी. तो इसका video अगर आपने miss किया होगा, यू कैन चेक इट आउट इन द Drogopets प्लेलिस्ट, जो आपको प्लेलिस्ट सेक्शन में मिलेगी. तो क्वारंटीन होने के बाद सारे कैट्स को यहाँ पर लाया जाता है, एंड यहाँ पर बंगाल कैट है, पर्शियन कैट है. तो अगर वो अपने वीडियो मिस आउट किया होगा तो यू कैन चेक इट आउट. सो लुक एट द बंगाल कैट, एंड इसकी आइज भी देखिए कितनी बड़ी है. I'll show you the pattern. So ये हमने आपको दिखाया Drogopets का quarantine unit, जहाँ पर cute Persian cats हैं. उसके बाद ये है Drogopets की कैटरी. So यहाँ पर है iguana section. तो if you are interested in watching a specific video on iguanas related to the care guide या इनकी information के related, so let me know in the comment section. I'll see you again next time in another interesting and entertaining videos coming soon on SG Inceptions. So this was Drogopets located at Powai in Mumbai. Let me know in the comments ki aapko ye video
देखकर कैसा लगा एंड कौन सी डॉग या कौन सा डॉग या कौन सी कैट आपको सबसे ज़्यादा पसंद आई। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव वंडरफुल डे अहेड।